पैराग्राफ छोड़ करके उपर्युक्त विषय वस्तुओं के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों से कुछ विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों प्रोफेसर पत्रकारों बुद्धिजीवियों बुद्धिजीवियों के माध्यम से जब नक्सली कार्रवाइयों को मान्यता प्रस्तुत करने मान्यता प्रस्तुत करने के पक्ष में करने के पक्ष में तर्क दिए जाएं अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर कमेंट लिखे जाएं या ब्लॉग्स व आलेख लिखा जाए साथ ही नक्सलियों के लिए जंगल से बाहर अर्बन हैबिटेट की सुविधाएं दी जाएं, नगरीय आवास की सुविधाएं दी जाएं साथ ही अपने गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वित्तीयन तक करने का प्रयास किया जाए तो इसे अर्बन नक्सलिज्म ऑब्लिक छद्म नक्सलिज्म लेटेंट है ना या इनहेरेंट नक्सलिज्म ऑब्लिक न्यू नक्सलिज्म न्यू NEW नक्सलिज्म ऑब्लिक नियो NEO नियो नक्सलिज्म NEO नियो नक्सलिज्म पोस्ट नक्सलिज्म इत्यादि के नाम से जानते हैं। इसमें से कोई भी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। पोस्ट नक्सलिज्म के नाम से जानते हैं। तो कोई लॉयर है मान लीजिए, उसका अपना फंड्स भी है, एनजीओ है, उसे फंड दिलवा दिया, उसके पक्ष में कुछ केसेस लड़ने लगा, तो
ये सही नहीं है। पैराग्राफ छोड़कर इस प्रकार की गतिविधियों से भी आंतरिक विप्लव की चुनौतियां बढ़ जाती हैं और इससे नक्सलवाद फलता फूलता है। फलता फूलता है किंतु यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी जनजाति या क्षेत्र विशेष के बारे में कोई बुद्धिजीवी या नगरीय क्षेत्र का नागरिक कोई विचार व्यक्त करता है तो वह नक्सली नहीं हो जाता, कॉमा जब तक कोई एंटी स्टेट एक्टर अर्थात अस्त्र शस्त्र से लैस किसी संगठन को वैचारिक, वित्तीय, आवासीय इत्यादि किसी तरह की सुविधा व सहायता प्रस्तुत नहीं करता है, वह अर्बन नक्सलिज्म का भाग नहीं बनता है। अतः यह संवेदनशील विषय है और इसे राजनीतिक आधारों पर नहीं देखा जाना चाहिए। संवेदनशील विषय है और इसे सिर्फ राजनीतिक आधारों पर सिर्फ सब लगा दीजिए सिर्फ राजनीतिक आधारों पर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से फल फूल रहा है। अब हमारे रोकने के प्रयास क्या हैं और इसी में पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या कर रहे हैं, चलिए इधर आ जाइए, लेफ्ट में लिखिए। रोकने के प्रयास में अर्धसैनिक बलों की भूमिका, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि
थोड़ा सिविलियन टाइप का भी काम करते हैं, सिविल पुलिस का भी काम करते हैं, और लड़ाई जैसा जैसा मिलिट्री है युद्ध के ज्यादा एम्बुश करने की क्षमता भी रखते हैं, चुनाव भी कराएंगे, इसके लिए भी इस्तेमाल होगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो युद्ध भी कर सकते हैं, है ना। अधिक एम्बुश अटैक करने वाले हैं, उनके तरीके उस तरह के हैं, बट ये रखा गया है, और रखा इसीलिए गया है कि राज्य का विषय होने के बावजूद भी कानून एवं व्यवस्था पर केंद्र सरकार को काम करना पड़ता है। ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए और लिखिए, आंतरिक विप्लव, इंटरनल इंसर्जेंसी, भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती है, भारत में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। महत्वपूर्ण चुनौती है, इसके लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे अधिक क्षति होने की, अधिक क्षति होने, क्षति होने की समस्या बनी रहती है। इसके लिए सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन सीपीओ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय में है। सेंट्रल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड के माध्यम से इनकी भर्तियां व विनियमन तथा काडर मैनेजमेंट किया जाता है, काडर प्रबंधन किया जाता है। अर्धसैनिक बलों का पदस्थापन डिप्लॉयमेंट, अर्धसैनिक बलों का डिप्लॉयमेंट पदस्थापन निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। कहां कहां डिप्लॉयमेंट है ये बात है। पहला, सीमावर्ती क्षेत्र, है ना, बॉर्डर एरिया, पहले देखें डैश देखकर। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर सीमा क्षेत्र पर बीएसएफ, और इंडो नेपाल तथा इंडो भूटान बॉर्डर क्षेत्रों में एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल,
को पदस्थापित किया गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में आईटीबीपी इंडो ताइवेतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का पदस्थापन किया गया है। प्रायद्वीपीय सीमा क्षेत्र में कोस्ट गार्ड तटरक्षक का पदस्थापन किया गया है। पैराग्राफ छोड़कर यह उल्लेखनीय है कि केएफ रुस्तम जी समिति आईपीएस ऑफिसर थे, बड़े धाकड़ आईपीएस ऑफिसर थे, जबरदस्त टाइप के, बिहार काडर के थे, पारसी होते हुए इन्होंने बहुत जबरदस्त भारत के लिए काम किया। के फ्रुस्तम जी समिति की अनुशंसा पर बीएसएफ और कोस्ट गार्ड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और कोस्ट गार्ड को क्रमशः स्थलीय और जलीय सीमा के लिए गठित किया गया है, किंतु बीएसएफ में कार्मिकों की कमी और प्रशिक्षण में लगने वाले अधिक अवधि के वजह से एसएसबी सीमा सशस्त्र बल जैसे परंपरागत सैन्य बल अर्ध सैन्य बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखिए, नक्सली क्षेत्र पहला हो गया सीमावर्ती क्षेत्र, अब दूसरा नक्सली क्षेत्र। टेस्ट देकर नक्सली क्षेत्र में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का पदस्थापन मौलिक रूप से देखने को मिलता है।
यह ब्रिटिश प्रशासन के दिनों से कार्य कर रही है। इसे क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स कहते थे। इसे स्वतंत्रता से पहले क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स कहते थे। यह पहला अर्धसैनिक बल है जिसमें महिला बटालियन हुआ करता था। एक तथ्य भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, पीटी में काम भी कर सकता है, सीआरपीएफ चर्चा में भी आ गई है ना, हुआ करता था। और नक्सली क्षेत्रों में कार्यरत नक्सली संगठनों में महिलाएं भी होती हैं। अतः इन क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन के लिए महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित की जाए, इसी वजह से सीआरपीएफ को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, उसके बाद लिख दीजिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र लिखे। यह तीन भौगोलिक वो सांस्कृतिक भूभागों में बटा हुआ है। जम्मू कॉमन लद्दाख और कश्मीर इन तीनों क्षेत्र में लद्दाख में बौद्ध और जम्मू में हिंदू पंजाबी व मुस्लिम सभी समुदायों के लोग हैं। जहां आंतरिक विप्लव की बड़ी चुनौतियां नहीं है, इन क्षेत्रों में सीआरपीएफ
कश्मीर घाटी जहां समस्या अधिक है, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय राइफल वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में आरआर रेजिमेंट राष्ट्रीय राइफल बटालियन राष्ट्रीय राइफल एग्जैक्टली राष्ट्रीय राजपूत राइफल है बटालियन जो कि एक सैन्य बटालियन है तथा नगरीय क्षेत्रों में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नगरीय क्षेत्रों में बीएसएफ को पदस्थापित किया गया था। में अफ्सपा कानून आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्सपा कानून के लागू होने के उपरांत कालक्रम में यह समझा जाने लगा लगभग स्थिति नियंत्रण में होती जा रही है अतः ऐसी परिस्थिति में नगरीय क्षेत्रों से बीएसएफ को हटाकर सीआरपीएफ को सीआरपीएफ को पदस्थापित जाने लगा। और बीएसएफ को मणिपुर त्रिपुरा जैसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर पदस्थापित कर दिया गया। एक्चुअल में क्या होता है, देखो लीडरशिप हमेशा मजबूत होना चाहिए। चंद्रशेखर जब आएंगे युवा तुर्क स्ट्रेट अवे चलने वाले तो अफ्सपा बन जाएगा लागू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर गठबंधन चला नहीं ऐसे व्यक्ति लंबे समय तक रह नहीं पाए तो फिर ढुलमुल नीति कभी कम एक दो कदम आगे एक कदम पीछे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी सबको ले करके चलने में पीटीपी और उनसे रिलेशन अच्छे रहे उस तरीके से, तो वही दो कदम आगे एक कदम पीछे। तो बीएसएफ को हटाना नहीं चाहिए था। हटाया क्यों? क्योंकि हल्ला हो रहा था ना, मानवाधिकार का उल्लंघन करता है ये फोर्स, बहुत पावरफुल है, एम्बुश अटैक बहुत भयंकर करता है बॉर्डर पे। ऐसे ही चीजें ऐसे ही आप शांति से यहां थोड़ी हैं। तो के एफ रुस्तम जी, मैं तो मानता हूं कि क्या व्यक्ति रहे होंगे पारसी, एक आ करके यहाँ के चीजों को समझ करके बताए कि देखो सारी समस्या का जड़ पूरा इंटरनल सिक्योरिटी के केंद्र में के एफ रुस्तम जी है ना।
दुल्हन के जैसे सजाया, पहले एक 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 चीज जो है ना, बीएसएफ का जो है, जो उसका डिजाइन है, या आप जो रिट्रीट सब देखते हैं, सब केफ रुस्तम जी का किया हुआ है। अच्छे पुलिस वाले, अच्छे आईपीएस का नाम पूछे इंटरव्यू में, तो जरूर नाम इज्जत से बताना है ऐसे लोगों का, ठीक है। दो ही नाम ज्यादातर लोगों को आता है, किरण बेदी और के पी एस गिल, तीसरा नाम ही नहीं आता है। तो अरुण भगत है ना, वेद मारवा है ना, के एफ रुस्तम जी, ऐसे लोगों का थोड़ा ध्यान रखना है। ये सब लोग पुलिसिंग के एडमिनिस्ट्रेशन को इतना मजबूत कर गए भाई, शांति के दिनों में ये तरीके इनके ऐसे रहेंगे। अब वो अगर होते तो जो हम लोग देखे हैं ऐसा, ये नहीं होता। और ये सरकार आई तो एक सरकार में, अब चूंकि बहुमत है तो स्ट्रेंथ तो है ही है, जैसे ही स्ट्रेंथ होता है पॉलिसी थोड़ी ठीक हो जाती है। तो अगर अर्बन एरिया में बीएसएफ होते तो साउथ कश्मीर में जो कुछ बचे हैं टेररिस्ट, अभी वो भी नहीं होते। और ये सब ब्लास्ट ब्लास्ट ये सब वो करते ही नहीं है, उनका ये सब अप्रोच नहीं है ना, कि एक ही गाड़ी में 40-50 आदमी को ठूस के लेके चल दो। उनको उनको दिया भी गया है, 4-5 से ज्यादा नहीं रखते वो भी, सेना के जैसे ही हैं वो काम करते हैं। और बीएसएफ के पास बहुत सारा हेलीकॉप्टर भी है, एयरलिफ्ट करने की फैसिलिटी, थोड़ा अमीर फोर्स है, पैसे वाला एलीट गन है, चीजें लंबे तगड़े लोगों का भर्ती करता है, ट्रेनिंग भी थोड़ा जबरदस्त है। ये थोड़े सीआरपीएफ प्राचीन काल से घोड़े पे चढ़ के, इनका काम थोड़ा थोड़ा सिंपल है ना, हिंदू मुस्लिम राइट ठीक कर लेंगे, चुनाव करवा देंगे, ये सब दो चार काम कर लेते हैं, वीआईपी का सिक्योरिटी भी कुछ कर लेंगे। हालांकि कुछ वीआईपी का सिक्योरिटी में तो इनके बस का बात ही नहीं है, उसके लिए अलग बनाया गया है एसपीजी और क्यूज है ना, और अल्फाज 2-3 हैं अभी, बहुत स्मॉल उनकी टुकड़ियां होती हैं। राष्ट्रपति के लिए रेड गार्ड्स अलग हैं, सब पैरामिलिट्री ही है, ठीक है। लेकिन इंटरनल इंसर्जेंसी से डायरेक्टली बहुत इन्वॉल्व नहीं होते हुए, ये बड़े फोर्स हैं जिनके डिप्लॉयमेंट्स को हम लोग देख रहे हैं। तो वो अगर नहीं किए होते ना, तो आज ये सब चीज सुनने में नहीं आता, और इस 4-5 साल में कहानी सुहा हो गया होता। लेकिन हम लोग चट मंगनी पट ब्याह, तो उसका ये सब होगा। अब शायद फिर समझ आए कि सीआरपीएफ को ही यहाँ से पिक करके और फिर से है ना बीएसएफ के इसमें ट्रांसफर किए, अगर एक दो घटनाएं और कुछ हो जाते। अब तो खैर बहुत ही ज्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, नहीं भी होगा तो करना पड़ेगा। अभी समय ही कुछ चुनाव का कुछ ऐसा खेल ही हो जाता है कि कुछ होगा। लेकिन अगर इसको ठीक करना है तो आपको फोर्सफुली काम करना होगा, और उसमें जो उसके लायक है, कैपेबल है, जैसे तैयारी किया है पीसीएस का, तो आईएएस का एग्जाम फेल ही करेगा, तो यही है। तो सीआरपीएफ को थोड़ा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, और बीएसएफ को जब लगाएंगे तो अदर जो चैलेंजेस होते हैं, हम लोग पढ़े थे ना आफ्सपा से जुड़ी है, कि भाई सर्च करने में दिक्कत होता है, कोई भी वो हो जाता है, तो उसमें क्या महिला बटालियन बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। और सर्च ऑपरेशंस महिलाओं के द्वारा हो, ट्रांसजेंडर्स के द्वारा हो कम से कम, तो थोड़ा लोगों की भावनाएं सेटल रहेंगी। गांव में तो अभी भी राष्ट्रीय राइफल है, तो एक दिन हटा लोगे तो काम खराब हो जाएगा, वहां तो सेना ही है ना। लेकिन अर्बन एरिया में जहां उतना चैलेंज नहीं है, थोड़ा सा उससे हल्का कम है, फिर वहां पे ये है। अब आ जाइए उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में आसाम राइफल, आईटीबीपी, और रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की ही एक टुकड़ी है, खास करके दंगा रोकने के लिए खास करके बनाया गया था रैपिड एक्शन फोर्स। इन सभी की मिश्रित, इन सभी का मिश्रित पदस्थापन देखने को मिलता है, और जहां चुनौतियां अधिक हैं या सीमावर्ती क्षेत्रों में,
ठीक है, वहां बीएसएफ का पदस्थापन देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में एक और टाइटल बनाइए। अब जैसा ब्लास्ट हुआ है ना, वरना ये टाइटल नहीं बनवाते हैं, वो घटना हो गया है तो अब क्वेश्चन का नजरिया और आधार थोड़ा सा चेंज हो गया और मे बी जीएस में आ जाए, हमारा सब दूसरे में काम ज्यादा आता है। लेफ्ट साइड में लिखिए, क्या अर्धसैनिक बलों के पदस्थापन की उपर्युक्त नीति औचित्यपूर्ण है? ठीक है, चूंकि आपको पॉलिसी से ही जोड़ के सवाल बना देंगे कि अर्धसैनिक बलों का जो डिप्लॉयमेंट हम कर किए हैं, ये इसमें कहीं फॉल्ट है जिसके वजह से आंतरिक विप्लव की समस्याएं हमारे समाप्त नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो वो आपसे पूछेंगे, कल इसको देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अर्धसैनिक बलों की भूमिका क्या है और फाइनली नक्सली क्षेत्र में क्या करना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के पूरा कंप्लीट पैकेज इसमें आएगा। थैंक यू।